कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन वर्मा ने अमरवाड़ा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखी। वर्मा ने कहा कि दल बदलो से बदला लेने का मौका हम नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जुबानी हमला बोला। देखें रिपोर्ट। सज्जन वर्मा की भाजपा को खरी खरी। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर वर्मा ने दिखाई बेबाकी। दल बदलो से बदला लेने का मौका नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, बोले वर्मा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब छिंदवाड़ा संसदीय सीट की अमरवाड़ा विधानसभा पर चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के अंदर खाने तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि दल बदलो से बदला लेने का मौका हम नहीं छोड़ेंगे। हमने अमरवाड़ा सीट को लेकर कमर कस ली है। पूरी कांग्रेस अमरवाड़ा पहुँच कर बदल लेगी। अमरवाड़ा के साथ साथ और भी चुनाव होना है, मेरे ख्याल राज्यसभा का चुनाव भी होगा। देखिए, कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं जरूर मानता हूँ कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है, लेकिन दल बदलों से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। क्योंकि मैं कमलेश को इतना जानता हूँ, शायद कम लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीत के आएंगे, ये उपचुनाव हम जीतेंगे। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये सीट कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।